कवर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट द वेलियंट टेस्ट डेथ बट वंस डू यू नो हू सेज दिस पर्टिक्युलर कोटेशन या फिर हम देखते हैं विवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च हू सेज दिस सो वेयर दीज टू पर्टिकुलर कोटेशंस एपियर काइज इफ यू डू नॉट नो ऑब्वियसली यू मस्ट गो थ्रू जूलियस सीजर So, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल ऑन द प्ले बाय शेक्सपियर दैट इज जूलियस सीजर इट्स रोमन प्ले यानी इसकी कहानी बेसिकली रोम साम्राज्य से ली गई है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में बेसिकली हम सम एम सी क्यूज करेंगे दैट इज अर्लियर एग्जामिनेशन तो उन्हीं पर हम वर्क करने वाले हैं विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन जूलियस सीजर और गाइज ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर वन वॉज जूलियस सीजर असेसिनेटेड यानी जूलियस सीजर का असेसिनेशन किस ईयर में हुआ था चार ऑप्शन हमारे पास हैं ऑप्शन ए कहता है 44 B.C. 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 42 48 30 तो तो क्या आप आप देख पा रहे हैं किस option को यहां पे correct करेंगे अगर ये question आपके सामने हो so, इसके लिए आपको तो so, मैं आपको बता दूं इसमें सबसे पहला आंसर जाएगा डेथ ऑफ जूलियस हैज बीन इन 44 B.C. क्योंकि एक uh, रियल स्टोरी पे बेस्ड है तो उसी पे बेस्ड हम देखते हैं कि जूलियस सीजर कब असेसिनेट हुआ था 44 बीसी को तो चलिए गाई क्वेश्चन लिया इस क्वेश्चन के बाद बेसिकली जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहां पर होंगे वुड बी बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स तो एक बार हम एक नजर डालते हैं इन कैरेक्टर्स पे ध्यान से देखेंगे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले कैरेक्टर है जूलियस सीजर राइट इज द प्रोटेगोनिस्ट हेयर सेकंड हम देखते हैं ट्राइमवर ट्राइम आफ्टर डेथ ये सीजर की डेथ के बाद बनती है इसमें कौन कौन है ऑक्टेवियस सीजर यानी कि ये एडोप्टेड सन है सेकंड हम देखते हैं मार्क एंटनी फिर हम देखते हैं लेपिडस राइट गाइस इसके नीचे हम देखते हैं कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट सीजर राइट ये मैं आपको बता दू यह ट्राइमवेयर है ये गाइस कब बनती है ये सीजर की डेथ के बाद बनती है तो सीजर के डेथ के पहले भी बनती है जिसमें सीजर है राइट और टू और पीपल हैं यहां पे अभी हमारे सामने आ जाएगा उस पर बेस्ट क्वेश्चन होगा फिर हम देखते हैं कॉन्स्पिरेटर्स कॉन्स्पिरेटर वे हैं जो सीजर के अगेंस्ट हैं षडयंत्र रस्ते हैं बेसिकली ये षड्यंत्रकारी हैं इसमें कौन सबसे नंबर वन पे ब्रूटस मार्कस ब्रूटस फिर है कैसियस फिर है कास्का एंड देन सिन्ना अब ध्यान से देखेंगे इस मार्कस ब्रूटस को जो कि बहुत बेहतर था ही वॉज वेरी क्लोज टू जूलियस सीजर लेकिन इसे भड़काने का काम कौन करता है कैसियस मेन रोल प्ले करता है एंड कास का और ये जो सिन्ना है यहां पे ये सिन्ना एक और सिन्ना यहां पे है उससे मेल खाता है जिसको हम कहाँ पे देखेंगे में ये बेसिकली कौन है सीजर की वाइफ है पौर्शिया, पौर्शिया जो है ब्रूटस की वाइफ है राइट कॉन्स्पिरेटर की लेकिन एक बात देखें ये पोर्सिया नामक कैरेक्टर अगेन हम देखेंगे फीमेल कैरेक्टर कहां पे अपेयर होता है कैन यू रिमेंबर कैन यू रिकॉल इट ऑब्वियसली इट इज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस राइट फिर हम देखते हैं शेयर सूद शेयर बेसिकली कौन है टू टू बी एबल द फ्यूचर ये फ्यूचर को देख लेता है और पहले ही उसको बता देता है कि भाई इस तरह की कंडीशन या घटना या इवेंट होने वाली है यानी कि ही इज एबल टू वॉन द पीपल फॉर द इम्पेंडिंग डेंजर फिर हम देखते हैं टी मिडोरस ये सोफिस्ट है सोफिस्ट फ्रॉम दिडोर्स की जरूरत नहीं ये, सिन्ना ये है वो सिन्ना सेकंड वाला ये एक पोएट है और लोग क्या करते हैं लास्ट में जब आ, इन कॉन्स्पिरेटर को मारते हैं तो बजाय इस सिन्ना के किसको मार देते हैं इस पोएट को मार देते हैं ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है फिर हम देखते हैं लोयल टू ब्रूटस एंड कैसियस यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वे पीपल जो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ में है ये है भाई वॉल्यूमिनस है टाइटीनियस है यंग कैटो है जो पोर्शिया का ब्रदर है और मैसाला है ये कौन है मैसेंजर डेट गाइस तो ये डेस्क्रिप्शन है बेसिकली सीजर में आने वाले कैरेक्टर्स का आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोट अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट टाइम विद जूलियस सीजर मैं आपको बता दू क्या लिखा है नोट अ मेंबर अगर किसी क्वेश्चन में नोट है तो आप उसे अलग से हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है सीधी लाइन में तो उसे दिखाने के लिए हमें पहले उस नोट को देखना है जिससे कि वो उनमें से अलग उसको कर पाए भाई पोम्पी पोम्पी हम देखें 100% है वहां पे कैरेसस अगर मैं कहूं तो 100% है वहां पे जूलियस सीजर 100% है लेकिन ये ऑक्टेवियन अगर मैं आपको हूं ऑक्टेवियन तो गई इसका मीन्स किससे जाता है इसका मीन्स जाता है इस ऑक्टेवियस सीजर से जो कि दत्तक पुत्र है सन है और ये किस में आता है टाइम वेयर तो बनाता है लेकिन ये बाद वाली बनाता है सेकंड जो बनती है पकड़ में आ गई बात आपको तो भाई आंसर हमारा सेकंड नंबर का गया है डी अब इस आंसर को समझने के लिए आपको इसके प्लॉट को देखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखो जरा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है हमें कि जूलियस सीजर वॉज बोर्न इन सीज़र के प्लेस बर्थ प्लेस को पूछा गया है क्या ये रोम है एथेंस है एलेक्जेंड्रिया है या फिर सुबुरा है बताइए ध्यान से अगर आपने इसको पढ़ा है तो जूलियस सीजर का बर्थ प्लेस कौन सा था तो हंड्रेड परसेंट ये रोम था आंसर हमारा क्या जाएगा ए इट इज रोम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को क्वेश्चन नंबर फोर हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स डिड जूलियस सीजर होल्ड एट द टाइम ऑफ हिज असेसिनेशन यानी अगर मैं आपको बताऊं आइडिया जो कुमार जो टाइम था दैट टाइम जूलियस सीजर हैज बीन असेसिनेटेड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स तो क्वेश्चन पूछा गया कि उस समय असेसिनेशन के क्या क्या टाइटल्स इन्होंने होल्ड किए थे यानी जूलियस सीजर ने तो भाई यहां पर आंसर है आपके ए कंसल बी डिक्टेटर ऑफ द परपिट्यू सी फॉन्टीफेक्स Maximus या फिर All ऑफ द above क्या आप इसके बारे में थोड़ा है जानते हैं तो मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे ही वो पजेस्ट करता था यानी कि ही होल्ड दीज पर्टिकुलर टाइटल्स एट दैट टाइम तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां है पे डी वुड देयर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव से कि हु वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर इन द असेसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर जूलियस सीजर के असेसिनेशन में मेन कॉन्स्पिरेटर कौन सा था मैंने आपको बताया कि ये जो कैसियस था यहां पे ये बेसिकली भड़काता है ब्रूटस को बट मेन नहीं मेन काम दिया जाता है ब्रूटस को क्योंकि ये इनमें ताकतवर है स्ट्रांग है पोम्पी यहां पे है ही नहीं मार्क एंटनी जी नहीं ये दोनों ही दोनों नहीं है वैसे पोम्पी अगर मैं स्टार्टिंग में कहूं तो ऑब्वियसली ही वॉज अगेंस्ट जूलियस सीजर राइट right. और इसी को वो हराता है पोम्पी को हराने के कारण ही आगे की प्रॉब्लम पैदा होती है तो आप ध्यान से देखेंगे यहां तो आंसर हमारा बी जाएगा इट इज ब्रूटस हु इज द मेन कॉन्स्पिरेटर इन देशन ऑफ जूलियस सीजर राइट जूलियसाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को सिक्स नंबर हमें क्या कहता है ध्यान से देखो इन विच फेमस बैटल डिड जूलियस सीजर डिफीट पोम्पी देखो आ गया ना पॉइंट हमारे पास पोम्पी को हराया था जूलियस सीजर ने मतलब दिस पर्टिकुलर इवेंट टेक्स प्लेस एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द प्ले तो कौन सा बैटल था बैटल ऑफ एक्टियम मैं आपको बता दू ये जो बैटल ऑफ एक्टियम है गाइज ये टेक प्लेस करता है अगले रोमन प्ले में राइट एंटनी एंड क्लियापात्रा में बैटल ऑफ पार्सेलस बैटल ऑफ एलिशिया या बैटल ऑफ जेला तो इन चारों में आंसर्स जो हमारा बनेगा पहला तो हो ही नहीं सकता ये है आंसर बी इट वाज़ द बैटल ऑफ फारसेल तो बैटल ऑफ फार्सेल में बेसिकली सीजर ने पोम्पी को हराया था पोम्पी एंड हिज़ सन्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेवन से हु जूलियस सीजर्स वॉज जूलियस सीजर्स सक्सेसर एज द रूलर ऑफ रोम यानी कि रोम का रूल किसके हाथ में जाता है आफ्टर जूलियस सीजर्स डेथ यानी कि जूलियस सीजर की तो असेसिनेशन हो गया हत्या हो गई तो कौन क्या ये मार्केटनी है जो रूलर बन जाता है ऑक्टेवियन है ब्रूटस है या फिर कैसियस का मैं आपको बता दू आफ्टर द असिनेशन ऑफ जूलियस सीजर मार्क एंटनी खतरनाक भाषण देता है जिससे के लोग जो है जो भीड़ वहां पे पे है है इस assassination के के टाइम वो 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 क्राउड मोब बन जाती यानी कि बदला लेने लिए तैयार हो जाती है और वो किस किस को मार डालती है यहां पे ब्रूटस को कैशियस को मतलब ये कुछ इसमें से अपने सुसाइड कर लेते हैं कुछ मारे जाते हैं मार्क एंटनी बनेगा नहीं क्योंकि कमांडर है यहां पे हम देखेंगे ऑक्टेवियन यानी कि ऑक्टेवियस सीजर दैट वाज़ द डॉप्टेड सन ऑफ जूलियसर तो यही यहां पर नेक्स्ट रूलर बनता है आते हैं क्वेश्चन एट पे क्वेश्चन जूलियसर वॉज फेमसली वॉन्ड अबाउट हिज इम्पेंडिंग असैसीनेशन बाई तो बेसिकली जब जूलियस सीजर मरने वाला था यानी कि थिंग्स uh, है मतलब लग रहा था कि मतलब मर्डर्ड क्योंकि कॉन्स्पिडेटर चारों तरफ घूम रहे थे तो इस चीज के लिए इस इंपेंडिंग असिशिनेशन को यानी कि जो आने वाला असिशिनेशन उसकी हत्या होने वाली है इस बात को उसे समझाने वाली या फिर बताएं हम तो वॉर्न करने वाला इनमें से कौन सा था नंबर वन सिविलाइंस बुक द नंबर वन है सिविलइन बुक या फिर अ ड्रीम इंटरप्रेटेड बाई कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कौन है उसकी वाइफ है राइट गाइज कैलिफोर्निया आप देख सकते हैं ये उसकी क्या है वाइफ है सी ओरेकल ऑफ डेल्फी मैं आपको बता दू ओरेकल एंड डेल्फी ऑफ डेल्फी का जहां जहां भी जिक्र होता है ये पर्टिकुलर वो जगह है जहां पे आ, राजा महाराजा या फिर क्वीन एटसेट्रा जाके पूछा करते थे कि आगे क्या होने वाला है और ये चीजों को बताती थी या फिर नन ऑफ द एबो भाई मैं आपको बता दूं ये आंसर है बी इस इंपेंडिंग डेंजर को एसोसिएशन को देखने का काम कौन करती है कैलिफोर्निया ड्रीम्स सम ड्रीम और उस ड्रीम में वो बेसिकली क्या देखती है कि सम डेंजर इम्बेंडिंग डेंजर इज ऑन वो उसको बताती है लेकिन वो परवाह नहीं करता और इस जगह पे ही वो इस लाइन को बोलता है क्या बोलता है कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स यानी कायर जो लोग होते हैं वो बहुत बार मरते हैं हर दिन मरते रहते हैं बट द वेलियंट वेलियंट का मीनस के किससे है यहां पर बहादुर लोगों से वेलियंट डाई बट वेलियंट डाई तो सॉरी वेलियंट टेस्ट डेथ बट कि वेलियंट यानी बहादुर जो होते हैं टेस्ट तो करते हैं डेथ का लेकिन सिर्फ एक बार करते हैं यानी वो कावर्ड नहीं होते तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? आंसर वुड बी बी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं और नाइन हमें कहता है वट वॉज द नेम ऑफ द प्ले रिटर्न बाई विलियम शेक्सपियर अबाउट जूलियसर आप देखो जूलियसर की क्योंकि इवेंट थी रियल इवेंट थी इस पर विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा बड़ा आसान क्वेश्चन है मैं आपको बता दू एंटनी के लिए पात्रा गाइज यह लिखा गया था बाद में टाइटस एंड्रॉनिकस और जूलियसर सबसे पहले लिखा गया ये फिर लिखा गया ये और फिर लिखा गया ये करेक्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है बाकी तीनों के तीनों जो हमारे प्ले हैं, गाइज ये रोमन प्लेज में आते हैं ये क्या है रोमन प्लेज है बाई शेक्सपियर ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है बड़ी आसानी से जिसमें टाइटस एंड्रोनिक एंड्रोनिकस वॉज रिटन इन 1594, द वेरी फर्स्ट ट्रेजिडी बाई शेक्सपियर ऑल बाकी इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या इसलिए तो पूछे कर सकते हैं ये नाम था जूलियस सीजर, राइट? ये एक ट्रेजिडी थी शेक्सपियर और जो कि रोमन ट्रेजडी है क्या जगह थी जहां पे उसको असेसिनेट किया गया था तो भाई यहां पे चार ऑप्शन हैं द रोमन फोरम या फिर क्यूरिया ऑफ पॉम्पे या फिर द कॉलेजियम या फिर भाई द टेम्पल ऑफ जुपिटर इन चार में से किस जगह पे उनको जूलियस सीजर को असेसिनेट किया गया तो मैं आपको बता दू बीट थी और ये थी थी कहां पे द क्यूरिया ऑफ पोम्पी पे यानी ये प्लेस था जहां पे उसको क्या किया गया था असेसिनेट किया गया था सो गाइज आज के इस सेशन में हम टेन क्वेश्चन कर रहे हैं बाकी मैं सब बच्चों को याद दिला दूं यू मस्ट रिमेंबर दिस की अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट छोटी छोटी प्रोग्रेस आपका बड़ा रिजल्ट बनाती है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी समय बाकी है अभी तो आराम से करेंगे या फिर लास्ट में जाके हम इन सारी वीडियोज को देख लेंगे या फिर अपने आप बुक पढ़ लेंगे आई डोंट थिंक सो ज्यादा बेहतर है कि ये बिल्कुल करेक्ट समय है जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस कर सकते हैं पीवाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लॉट्स देख सकते हैं आप प्लेज को देख सकते हैं बेस्ट टाइम है तो मेरे कहने का मीन्स है इसको लगातार देखें बढ़िया से इसको तैयार करके रखें क्योंकि मैं जो क्वेश्चन और मैटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये क्रीमी मैटर है सबसे बेहतर है तो आप इसको तैयार करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें